हापुड़ जनपद का मॉडल रेलवे स्टेशन हाईटेक हो गया है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सुविधाओं को पीछे छोड़ अब मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी की सुविधा भी हो गई है। यात्रियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्री पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण रेल मार्ग टिकट व अन्य सुविधा से वंचित रह जा रहे थे। अब वे यात्री वाईफाई की मदद से कोरोना काल में ट्रेन के मार्ग, ऑनलाइन टिकट व अन्य सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं हाईटेक सुविधा प्रदान करने पर यात्रियों ने रेल मंत्रालय को धन्यवाद किया है। क्या नाम है? मोहित नाम है मेरा। यहाँ पे वाईफाई की सुविधा बहुत अच्छी है और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और रेल मंत्री की बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे नेट पैक ख़त्म हो जाता है तो यात्रियों के लिए और नेट वाईफाई की भी सुविधा है और लोग टिकट बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, वाईफाई से अपने मोबाइल पे चेक कर लेते हैं टिकट वगैरह के बारे में और बहुत अच्छा है। किस तरीके से सरकार काम कर रही है? बहुत अच्छे से काम कर रही है सरकार, धन्यवाद कहना चाहेंगे सरकार का हम इस चीज़ के लिए। लॉकडाउन के बाद हापुड़ में यात्रियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराया था? लॉकडाउन से पहले भी हमारे यहाँ ये वाईफाई की सुविधा चल रही थी जो लॉकडाउन के बाद भी चल रही है, और प्लेटफार्म पे कोच गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं जिससे कि यात्रियों को पता चल जाए कौन सा कोच की पोजीशन क्या रहेगी, जिससे उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो, पहले ही अपनी स्थिति में पहुंच जाता है और अपना कोच में आसानी से पहुंच जाता है। और आपका डिस्प्ले वगैरह लगी हुई है प्लेटफार्म नंबर एक पर, उसमें हमारे गवर्नमेंट के एड वगैरह आते रहते हैं जिससे कि उनका मनोरंजन वगैरह होता रहता है। उसमें और भी कई चीज़ें आती हैं जिससे कि यात्रियों का मनोरंजन टाइप की होती है। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे यहाँ लगा हुआ है जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी आते रहते हैं। और यात्रियों को सुविधा के लिए गवर्नमेंट समय समय पर जैसा निर्धारित करती है वो सुविधाएँ सब मिलती ही रहती हैं गवर्नमेंट। तो बात करें वाईफाई की, तो किस तरीके से वाईफाई लाभ कराया जाता है? वाईफाई तो हमारे यहाँ जो है, जो पैसेंजर आते हैं जिनके पास डाटा नहीं होता है तो अपना वाईफाई से अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, किसी को भी चला सकता है और उसका सुविधा का लाभ ले सकता है। और यात्रियों के लिए जो सुविधाएं गवर्नमेंट प्रदान कर रही है वो सभी मिल रही हैं यात्रियों के लिए। गाड़ियों के भी स्टॉपेज भी काफ़ी गाड़ियों के हो गए हैं और शटल भी जल्दी से चलने वाली है। 21-22 जो शटल चल रही थी बुलंदशहर से तिलक ब्रिज के लिए, वो भी है 19 तारीख या 20 तारीख से उसका मूवमेंट होने जा रहा है।